और ऊपर से बड़ी धूप, बहुत गर्मी पड़ रही है, चला भी नहीं जा रहा है, पैर में भी दर्द हो रहा है, फिर भी चल रहा हूँ, चलना तो पड़ेगा ही, पूरा अपने घर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। गाइस तो आज है दूसरा दिन, हम सुबह 4 या 5:30 बजे आज भी निकल गए हैं और अभी चल रहे हैं, अभी बज गए 6:30, 6:30 बज गए और हम चलना स्टार्ट कर दिया है हमने, मतलब 10-15 किलोमीटर तो पार ही कर लिया होगा हमने सुबह, हमारा भी चल रहा है। ये देखो कांवरियों का भीड़, हर हर महादेव, जय। गाइस तो चलते चलते दोपहर हो गया है और हमें कहीं तो भंडारा भी नहीं मिला है, मार खा के मतलब कि सुबह से भूखा हूँ, बेहाल हो चुका है पूरा, हाल बहुत ख़राब हो चुका है और ऊपर से बड़ी धूप, बहुत गर्मी पड़ रही है, चला भी नहीं जा रहा है, पैर में भी दर्द हो रहा है, फिर भी चल रहा हूँ, चलना तो पड़ेगा ही, पूरा अपने घर तक पैदल ही जाना पड़ेगा। सो तो गाइस ये हम चल रहे हैं, देखो दोपहर हो चुका है, अभी मेरी टीम ये सामने चल रही है और मैं पीछे पड़ गया, तो मुझे भी स्पीड बढ़ाना पड़ेगा नहीं तो मैं रह जाऊंगा। चलो तो आप लोग बने रहिए गाइस, तो अभी हम खोया नदी में प्रवेश करने वाले हैं, अभी 3 बज गए हैं और खोया नदी में हम अभी जाने वाले हैं। ये देखो कच्चे रोड में आ गए हैं, इस रोड से अभी खोया नदी में पहुंच जाएंगे हम थोड़ी देर में, फिर खोया नदी को पार करना पड़ेगा, 5-6 शंभू होगा, शंभू में 1 किलोमीटर है, 5-6 शंभू पार करना पड़ेगा हमें। गाइस तभी हो गया शाम और अभी टाइम हो रहा है हमारा 5:10 हो गए और अभी भी हम खोया नदी में ही चल रहे हैं। खोया नदी में देखो जल थोड़ा कम है, सूखा हुआ है, इसलिए लोगों ने यहाँ पे फसल वगैरह लगा दिया है, तो हम अब भी उसी खोया नदी में ही चल रहे हैं। हमें जाना होगा आज शेरकोट, मतलब कि आज रात का डेरा हमारा शेरकोट में है, तो शेरकोट में जा रहे हैं हम, तो बने रहिए, आपको दिखाते हैं कैसा कैसा रास्ता है। रोड में कीचड़ भी है, रेत भी है, कंकड़ पत्थर भी है, सब है, कुछ कुछ लोग खाली भी पैर चल रहे, बिना जूते के खाली पैर चल रहे, देखो सारा सारा दिन कंकड़ पत्थर पे, आप सोच सकते हो फिर कितना कष्ट होता होगा इनको। गाइस तो हम लोग फाइनली खोया नदी के पास में पहुंच गए हैं, जहां से पानी बहता है खोया नदी में, और वहीं पर एक बड़ा सा भंडारा लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत से भोले लोग भंडारा कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो हम भी यहाँ पर थोड़ा सा रुकेंगे, आराम करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो आइए आपको दिखाते हैं भंडारे का नज़ारा, और यहाँ पे एक मेला भी लगा है, भंडारा वगैरह सब हो रहा है यहाँ पे, और मेला देखो, मेला कितना बड़ा लगा हुआ है। तो गाइस अभी हम फाइनली भंडारे से निकल रहे हैं,
अभी रात हो गई है और अभी भी 5 या फिर 10 संभव हमें पार करना पड़ेगा। और आज का ब्लॉग बस यही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे के नेक्स्ट ब्लॉग में।